सवाल नंबर एक, गठिया की बीमारी क्यों होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना। दोस्तों इसका सही आंसर है घुटनों में गठिया की बीमारी कांदा की सब्जी खाने से होता है और अरवा चावल खाने से गठिया की बीमारी पकड़ लेता है, इसीलिए बिल्कुल कम खाना चाहिए, कम सबसे ज्यादा कम खाना चाहिए। सवाल नंबर दो, दाद खाज खुजली कैसे ठीक होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना। दोस्तों इसका सही आंसर है 100 ग्राम नारियल का तेल में 10 गोली कपूर मिलाकर लगाने से दाद खाज खुजली ठीक हो जाता है। दोस्तों सवाल नंबर तीन, किस चीज का पेड़ भारत में हर जगह पाया जाता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका सही आंसर है अमरूद का पेड़ हर जगह पाया जाता है, इसीलिए दोस्तों अमरूद हर जगह लगाना चाहिए और अमरूद जो है वो खाली पेट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लीवर में सूजन हो जाती है। सवाल नंबर चार, कौन सा नमक खाने से ज़्यादा बीमारी नहीं होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है आयोडीन नमक 300 ग्राम, उसमें 100 ग्राम काला नमक डाल करके खाने से कोई प्रकार की शरीर में बीमारी नहीं होती है, सिर्फ खाली आयोडीन नमक खाने से लकवा और फालिस की बीमारी होती है और गर्मी में भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर पाँच, तेल वाला सामान खाने से पहले क्या खाना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है तेल वाला कोई भी सामान खाना है, या चिवड़ा खाना है, या समोसा खाना है, उससे पढ़ाई खा लें या एक चम्मच चीनी खा लें कि वो जो खाना है वो आसानी से पच जाए, या रोटी खाने से पहले एक चम्मच चीनी अवश्य खा लें, लेकिन शुगर वाले आदमी को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना।